चलो आओ एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू हुई थी 1969 में एक साइकिल पे, पर अब चांद से भी आगे जा चुकी है। ये कहानी किसी इंसान, किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, बल्कि इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम की शुरुआती है। चलिए जानते हैं आज की स्टोरी क्या है। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था कि इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च आर्यभट्ट के समय हमारे पास सिर्फ एक कंप्यूटर था, जो कि आज के स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था। पर आज के डेट में टेक एडवांसमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी और 140 करोड़ के टैलेंट पुल के बदौलत आज हम यूरोपियन यूनियन के भी आगे माने जाते हैं। 2017 में PSLV ने 104 सैटेलाइट्स को एक बार में ही ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था। हालांकि इस साल इसरो को ये रियलाइज हुआ कि इस मोमेंटम को कैटेलाइज किया जा सकता है इंडिया के स्पेस शेयर को 2% से 15% तक इंक्रीज करने में, और प्राइवेटाइजेशन की भारी डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल की स्टार्टिंग में इंडियन स्पेस पॉलिसी 23 को रिलीज किया। इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च से लेकर अर्थ ऑब्जर्वेशन की कंपनीज को स्टार्ट और ऑपरेट करना काफी ईजी हो गया है। इन स्पेस के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार ने भी हमें कुछ दिन पहले हुए बेंगलुरु टेक समिट में ये बताया कि कैसे वो स्टार्टअप्स को इंकरेज कर रहे हैं इस फील्ड में। वी आर प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी फ्रॉम इसरो, दे कैन टेक द टेक्नोलॉजी फ्रॉम इसरो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन। वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर डिजाइन लैब्स वेयर कंपनीज कैन गो देयर एंड वर्क एंड डिजाइन देयर प्रोडक्ट, स्पेस प्रोडक्ट्स। इन एडिशन टू दिस वी आर डेवलपिंग देयर स्किल्स आल्सो, सो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज वी हैव स्टार्टेड। माना जाता रहा है कि इंडिया बेस्ड स्पेस कंपनीज इसरो के अराउंड एक एंसिलरी इंडस्ट्री जैसे एक्ट करती रही है, पर आज के डेट में अग्निकुल कॉस्मोस, स्काईरूट, पिक्सल और सैटशो जैसे कंपनीज ने एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट किए हैं। अब स्पेस कंपनीज इसरो को एड करने से आगे बढ़कर मिशन के पूरे लाइफ साइकिल की तरफ ध्यान दे रही है। सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्च, स्पेस व्हीकल मनूवरिंग और जियोस्पेशल डेटा की तरफ आगे बढ़ी। As a space ecosystem that is growing in India, we have reached a stage where we could confidently say that we have the complete end-to-end capability to create a satellite from its concept, design it, fabricate it, have the rockets that can launch these satellites to orbit, operate it successfully to, during its entire mission life, and after the mission life safely deorbit it. This complete life cycle of the space mission is something that to have the confidence and the expertise to conduct this end-to-end space mission, that capability is something that we have, that is communicated loud and clear to the world. जहां Pixel और Satshaw जैसी companies hyperspectral और multispectral data पे ध्यान दे रही हैं, वहीं Skyroot, Agnikul और Bellatrix जैसी companies satellite launches को सस्ता और effective बनाने में जुटी हुई हैं। इंडिया में एशिया का पहला एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाने के साथ साथ स्पेस टूरिज्म की भी तैयारी है। टेक जायंट्स जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट अशोर और गूगल भी इसरो और इनस्पेस के साथ पार्टनरशिप के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। साथ ही साथ नासा और इसरो ने भी कई मिशंस जैसे कि निसार और आर्टेमिस को साइन किए हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया इसरो, इनस्पेस, NSIL, इंडस्ट्री और एकेडमिया के पार्टनरशिप के थ्रू इस मौके को कैसे भुना पाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू AIM और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज की स्टोरी कैसी लगी। मिलते रहेंगे और टेक और AI से रिलेटेड ऐसी स्टोरीज के लिए।